सारा जो कि शेड्यूल वर्ड और वन्य जीवन संरक्षण के लिए उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी गणना जो सेवा फाउंडेशन द्वारा की गई है उसमें कुल मिला के 58 पक्षी अभी मिले हैं बालाघाट जिले में। कुछ इसमें से संभावनाएं कि 2-3 ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनका पहचान में कंफ्यूजन कई बार रहते हैं। तो 60 के आसपास पक्षी बालाघाट जिले में हैं और मैं इस फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं उससे सारस पक्षी की संख्या जिले में और बढ़े। जो भी शासन का सहयोग होगा उनको जरूर दिया। मैं जैसे जो जिसमें लेइंग होगी बर्ड जो अंडे देंगे ये पक्षी, उसमें जितना एरिया खराब होगा उसका प्रयास किया जाए कि उनको किसानों को मुआवजे दिलवाए। अब खदानें स्वीकृत खदानें हैं जो ठेकेदारों को, ठेकेदारों अपनी सीमा में ही खदानें चलानी है और यदि इस बीच में यदि कोई स्वीकृत खदान आती है तो उसमें उनसे बात करके रात्रिकाल में उसको रोका जाएगा। और अवैध उत्खनन को यदि कहीं होता है तो ठेकेदार स्वयं अभी आगे बताएंगे कि अवैध उत्खनन उसको।